नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल भ्याना। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही संवेदनशील टॉपिक अयोध्या विवादित भूमि का संपूर्ण इतिहास बताने जा रहा हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस ग्रुप से संबंध नहीं रखता हूँ, तो इस वीडियो में दिखाए जाने वाली जानकारी, फ़ोटो और वीडियो का पर्पस किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने न्यूज़ आर्टिकल, यूट्यूब चैनल और पब्लिक डोमेन से इकट्ठा की है। इसका पर्पस सिर्फ एजुकेशन है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अयोध्या विवादित भूमि का संपूर्ण इतिहास। राम नाम के साथ अगर श्रद्धा है तो सियासत भी है। भले ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, मगर इसकी धार्मिक राजधानी हमेशा से अयोध्या ही मानी जाती है। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने बटे हुए हिंदू संगठनों को एक मंच पर एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी की 2.7 एकड़ की लैंड का इतिहास शुरू होता है 1528 ईस्वी से, जब बाबर के आदेश पर उसके प्रधान सेनानायक मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण किया और नाम रख दिया बाबरी मस्जिद। इसे शुरुआत से ही हिंदू मस्जिद जन्म के नाम से जानते थे। शुरुआत से ही दोनों समुदायों के बीच में दावेदारी को लेके आग सुलगती रही। 1853 में ये सुलगती हुई आग एक विस्फोट बन गई और ये तनाव धार्मिक हिंसा में बदल गया। 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मस्जिद के बीचों बीच फेंसिंग करवा दी। अंदर का एरिया मुसलमानों की नमाज पढ़ने के लिए और बाहर का एरिया हिंदू पूजा अर्चना करने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिवाइड एंड रूल सफल रहा और दोनों समुदायों के बीच में लकीर और गहरी होती गई। 1885 में एक महंत रघुवर दास ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक पटिशन दायर की और मंदिर निर्माण करवाना चाहा, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साफ साफ डिनाई कर दिया। कभी कभी लोकल रोड तो सुलगते रहे, मगर इस बात का कोई पक्का हल नहीं निकला। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो राम भक्तों की उम्मीदें और बढ़ने लगी। फिर दिसंबर 1949 में मस्जिद का दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ रामलला की प्रतिमा पहले से ही रखी मिली। मुसलमानों का कहना था कि ये जानबूझकर रखी गई है, पर हिंदुओं की आस्था थी प्रभु राम स्वयं प्रकट हुए हैं। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में भी यह मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। मौके पर मौजूद कांस्टेबल MM पांडे ने FIR दर्ज करवाई और इसे विवादित स्थल घोषित कर दिया गया। 1950 में इसे फिर से ताला लगा दिया गया और जगह का पोजीशन सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। 1961 तक चार बार मालिकाना हक के लिए निर्मोही अखाड़ा, रामचंद्र दास, गोपाल सिंह और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर की, मगर इसका कोई भी हल नहीं निकला। अक्टूबर 1984 में राम मंदिर निर्माण का बीड़ा विश्व हिंदू परिषद ने उठाया और 1986 में फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी। फिर से सियासत और राजनीति ने आस्था और भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे में अपनी टांग अड़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच BJP ने विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़े होने का फैसला लिया। 1990 में अडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, पर जहाँ से भी रथ यात्रा निकलती वहाँ छोटे मोटे दंगे होने लगे। जब यात्रा बिहार पहुँची तो अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर BJP ने गठबंधन से बनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और VP सिंह जी की सरकार गिर गई। जगह जगह पुलिस से झड़प को देखते हुए मुलायम सिंह जी ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाई गई। गोलीकांड के बाद मुलायम सिंह जी को मंदिर विरोधी और मुल्ला मुलायम जैसे कड़वे शब्द सुनने पड़े और मुलायम सिंह जी की भी सरकार गिर गई। इसके बाद BJP पहली बार सत्ता में आई। 221 सीटों के साथ कल्याण सिंह जी को CM बनाया गया। इस मुद्दे के बाद मानो राजनीतिक पार्टियों को जीत का फॉर्मूला ही मिल गया हो। 1992 में इस धार्मिक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। 6 दिसंबर 1992 को 200,000 से भी ज़्यादा कार सेवक, BJP के शीर्ष नेता और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य सभी एक साथ सामने आए। CM कल्याण सिंह जी ने गोली ना चलाने के आदेश दे दिए और गुस्साई भीड़ ने देखते ही देखते विवादित ढांचा गिरा दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती।
इससे पहले कि मौजूदा पीएम पीवी नरसिम्हा राव राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहते, कल्याण सिंह जी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। 1998 से 2004 तक अटल जी ने बीजेपी की और भारत की कमान संभाली। तब से राम मंदिर निर्माण चुनावी घोषणा पत्र में शामिल हो गया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा रामलला को, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा सुनी वक्फ बोर्ड को मिला। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पर रोक लगा दी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को विवादित भूमि पर खुदाई करने के आदेश दे दिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार लगभग 12वीं सदी में वहाँ एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था जिसे गिराकर मस्जिद बनाई गई थी, पर उसे मंदिर का नाम नहीं दिया। फिर से हियरिंग स्टार्ट हुई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के साथ 5 मेंबर बेंच ने अपना निर्णय सुनाया। 40 दिन की हियरिंग के बाद 16 अक्टूबर 2019 को 1000 पेज का डिसीजन पेश किया। ये इंडिया के इतिहास की सेकंड लार्जेस्ट हियरिंग है। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, बट उससे पहले दोनों पार्टीज को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जमा करने के लिए बोला गया, विच मीन्स इन केस ऑफ पार्टी को अगर विवादित भूमि नहीं मिलती है तो उसके अल्टरनेट में उनको क्या मिलना चाहिए। और इसके बाद टाइटल ऑफ लैंड वॉज गिवन टू रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को उसके बदले में 5.0 एकड़ लैंड मिली मस्जिद बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किसी की हार या जीत नहीं बल्कि यूनिटी और इंटीग्रिटी की तरफ एक पहल थी। बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने भी राम मंदिर को लेकर अपना समर्थन दिया और आज 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन संपन्न हुआ। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, किसी भी धर्म से नफरत करना ये कुरान नहीं कहती, मंदिर मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते, राजनीति का चश्मा उतार कर देखो यारो, इंसानियत जिंदा हो तो मज़हब की बात नहीं करते, मज़हब की बात नहीं करते।